जी, हम देख सकते हैं कि आज हमारे झारखंड में भी हमारी सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ और इतनी विकट परिस्थिति में भी बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे सरकार को या फिर जहां भी देखा जाए कि गैर भाजपा सहित जो भी सरकार है उन सभी जगहों को केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, और या वो विधायकों के हो, परेशान करने की बात हो, सरकार गिराने की बात हो, लेकिन आज भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तटस्थ हैं, खड़े हैं, और आज उनके साथ एक एक जनता खड़ी है, और जिससे हम कह सकते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जो परेशान किया जा रहा है तो ये फालतू है, उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आज भी सरकार मुस्तैदी के साथ खड़ी है और आने वाले चुनाव में भी यहाँ पर जेएमएम की सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी। इस तरह से मतलब इस तरह वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो है ये पार्टी में बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं आलाकमान सख्त होकर उन पर कार्रवाई करेगा, आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये जांच का विषय है, और जब तक इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल जाता, कोई जांच में क्या है नहीं है वो सत्यता सामने नहीं आ जाती, तो इस विषय में मैं पूरी तरह से कुछ बता नहीं पाऊंगी। और जहां तक पार्टी का विषय है तो पार्टी हर विषय पे ठोस निर्णय देती रही है और इस पर भी कोई ठोस निर्णय लेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।